क्या करते हो? बिग बॉस देखते हैं। बिग बॉस देखते हैं? क्या करते हैं? बिग बॉस देखते हैं। अच्छा, मनीषा रानी बिहार की शान, वही जीतेगी। वही जीतेगी। और एल्विश के बारे में क्या ख्याल है? वो तो राव साहब ठीक है, उनका काफी अच्छा यूट्यूब पे फैमिली है, फुकरा इंसान का भी है, लेकिन मनीषा रानी को काफी सपोर्ट की जरूरत है, और ये तभी हो सकता है जब बिहार के लोग उनको सपोर्ट करें, उनको ज्यादा से ज्यादा वोट करें। क्या लगता है, वही जीतेगी? हाँ, वही जीतेगी। और हम चाह रहे हैं जीते और हम लोग बिहार का नाम रोशन करें। हम भी बिहारी हैं। सबसे ज्यादा बिग बॉस में कौन एंटरटेन करता है? मनीषा ही करती है। सबसे ज्यादा झगड़ा कौन करता है? ऑफ कोर्स बेबिका करती है, वही झगड़ा। झगड़ा कौन करता है सबसे ज्यादा? बेबिका। बेबिका तो एकदम बाटी बाटी करते रहती है। तब आप बिग बॉस देखिए ना, तो ऐसा मेंटालिटी बन जाता है कि ऐसे लड़ना है, तो मेरे अंदर भी आ जाता है कि हाँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ने लगती हूँ। पता नहीं क्यों, जब भी हम बिग बॉस देखते ना, तो उसके बाद जो भी मेरी फ्रेंड होती है मुझसे लड़ रहे होते, तुम मेरा पानी क्यों छुई, तुम मेरा खाना कैसे टच की। सबसे अच्छा तो मुझे अभिषेक लगता है। ऑफ कोर्स अभिषेक। या सबसे अच्छा काम किसका लगता है? अभिषेक का। अभिषेक का एंटरटेन कौन करता है? अभिषेक, मनीषा और एल्विस। टास्क सबसे अच्छा कौन परफॉर्म करता है? अभिषेक। लगता है कि इनकी जुबान नसीब अभिषेक अभिषेक ही है। अभिषेक ही है। रिजल्ट चाहे जो भी हो, हम आपके साथ हैं, एंड हमारा प्यार आपके लिए कभी नहीं बदलेगा। You will rock. We love you, मनीषा रानी। पूरा बिहार आपसे प्यार करता है। हम सब आपके साथ हैं। हम चाहते हैं आप ट्रॉफी जीत के आए। आप जीते या ना जीते, हम सब आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट अभिषेक। वी लव यू एंड आई वॉन्ट टू कि आप ही विनर हो बिग बॉस के। हेलो एल्विस, और मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, और मैं चाहती हूँ कि आप जीतो, ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। जीतेंगे एल्विसी यादव। वो मनीषा रानी को बोले, बाबू जीत के आना और मेरा नाम रोशन करना, बिहार का नाम रोशन करना। मैं फरहत अफसर और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, बिग बॉस का सीजन चल रहा है और कल फिनाले है। 8 बजे पता चल जाएगा कौन जीतने वाला है। ऐसे में हम बोरिंग रोड नागेश्वर कॉलोनी आए हैं। यहाँ से आप लगातार देखिएगा कि गर्ल्स हॉस्टल है। ऐसे में कुछ गर्ल्स हमें मिली है, तो इनसे हम जानते हैं कि चलिए इस बार क्या लगता है बिग बॉस में कौन जीतने वाला है, कौन बाजी मार रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रेया सिंह। बिग बॉस देखती हैं? बिल्कुल। कितना क्रेज है? बहुत ज्यादा। मनीषा रानी बिहार की शान, वही जीतेगी। वही जीतेगी। और एल्विश के बारे में क्या ख्याल है? वो तो राव साहब ठीक है, उनका काफी अच्छा यूट्यूब पे फैमिली है, फुकरा इंसान का भी है, लेकिन मनीषा रानी को काफी सपोर्ट की जरूरत है, और ये तभी हो सकता है जब बिहार के लोग उनको सपोर्ट करें, उनको ज्यादा से ज्यादा वोट करें। अच्छा, आप भी बिहारी है, मनीषा रानी भी बिहारी, कहीं इसलिए नहीं मुंगेर एरिया? अच्छा, हमारी सपोर्ट कर रही है क्या बिहारी? बिहारी नहीं, इट्स नॉट लाइक कि वैसा है, बट यू नो, वो बहुत सादगी से हर काम करती हैं, दिल की बहुत साफ है, उनका किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, तो इस वजह से उनको वोट मिलना चाहिए, और वो शुरू से ही फेयर गेम खेलती आ रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है फुकरा इंसान और एल्विश यादव भी अच्छे हैं, बट मनीषा रानी का जीतना वो बनता है, उनको चाहिए कि वो जीतें। सबसे अच्छा क्या उनमें लगता है? कि वो किसी के लिए मतलब भेदभाव नहीं करती हैं, वो सबको इक्वली ट्रीट करती हैं, सबसे प्यार करती हैं, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी के लिए कोई गलत इंटेंशंस नहीं है उनके मन में, ये चीज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, मनीषा रानी को छोड़ करके उसके बाद मैं अगर कहूँगी कि क्या लगता है कि मतलब आप किसको सपोर्ट कर रही हैं, कौन जीतना चाहिए, उसके बाद वो डिजर्विंग है? हाँ, वो डिजर्विंग है। आप देखती हैं बिग बॉस? यस। आप किसको सपोर्ट कर रही हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा? मनीषा का क्रेज है क्यों भाई? मनीषा क्यों? बिहार की शान है अपनी। बिहार की शान है इसीलिए? यस। और क्या अच्छा लगता है हमें? बहुत अच्छी है, फ्रेंडली है, सबसे अच्छा बिहेव रखती है, ज़्यादा उतना नहीं है कि, और सब है ना, वो पूजा मैम सब इतनी लड़ाइयाँ करती है, वो वैसी नहीं है, वो दिल की बहुत अच्छी है। तो आप जो बिग बॉस देखते हैं, जो वोटिंग करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, ज़रा कैमरा देख के बता दीजिए। बस जीत के आना, ऑल द बेस्ट। आप भी थोड़ा बताइए। रिजल्ट चाहे जो भी हो, हम आपके साथ हैं, एंड हमारा प्यार आपके लिए कभी नहीं बदलेगा। यू विल रॉक। क्या नाम है? अंश। क्या करते हो? बिग बॉस देखते हैं। बिग बॉस देखते हैं? क्या करते हैं? बिग बॉस देखते हैं। अच्छा, बिग बॉस में कौन पसंद है? एल्विस यादव। क्यों पसंद है? उसका 10 लाख फॉलोवर्स है। 10 लाख फॉलोवर्स भी पता है? सबसे अच्छा क्या लगता है उसमें? एल्विस यादव जो बोलते हैं। और एल्विस यादव पे कौन भारी पड़ने वाला है? सलमान खान। सलमान खान तो सब पे भारी है। भैया को क्या बोलोगे, क्या विश दोगे? जीतेंगे एल्विसी यादव। तो बिग बॉस देखते हैं? हाँ, बिग बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं, बहुत दिन से देखते हैं। बिग बॉस में बहुत, अरे बहुत जगह से आती हैं लोग, या भैया लोग आते हैं, जो भी गर्ल्स आती हैं, बॉयज आते हैं, तो सबका पता चलता है कौन आदमी किस तरह का है। लेकिन बिग बॉस में वही आदमी शुरू से जीतते आया है जो
अच्छा है जो ईमानदारी से वो गेम खेल रहे हैं अच्छे से, ठीक है गेम खेलते हैं, ये गेम में लोग वो जो झूठा झूठा करके वो लोग तो कभी नहीं जीते, जब भी जीते जो सच्चा खेला, जो अच्छा से खेला, जो ऐसा आदमी जीता जो हर लोग से मिल के रहा, एक बिग बॉस का क्वालिटी है। कुछ बिग बॉस में गाली गलौज हो रहा था तो उस दो तीन सीरियल हम बंद कर दिए थे, नहीं देखे थे क्योंकि मेरा मूड ऑफ हो जा रहा था। लेकिन मेरा बिग बॉस करीब 10 देखा हुआ मेरा है और बहुत इंटरेस्ट है देखते हैं, तो उसमें बहुत सारा लोग है। अभी बिहार की गई है ना, क्या नाम उसका है, मनीषा रानी, वो बहुत अच्छा खेल रही है। और मनीषा रानी ऐसे बिहार के सारे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी जाते हैं झंडा फहराते हैं, वो लोग दिल से खेलते हैं, किसी से बात करते वो दिल से बात करते हैं और सच्चे से खेलते हैं। हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे, क्या लगता है वही जीतेगी? हाँ वही जीतेगी और हम चाह रहे हैं जीते और हम लोग बिहार का नाम रोशन करें। हम भी बिहारी हैं, मेरी भी बेटी बिहारी है जो दिल्ली में वो बहुत अच्छा कर रही है, तो बिहारी नाम से लोग बोलते हैं वाओ ऐसे बिहारी लोग रहते हैं, बिहारी लैंग्वेज कुछ ऐसा बोलते हैं जो हम लोग का भाषा है, हम गर्व करते हैं उस भाषा पे, बहुत गर्व करते हैं, अच्छा लगता है। हम लोग जब मिलते हैं किसी से भी फर्स्ट बार दिल से मिलते हैं, हम लोग के पास लाख भी हो जाएगा हम लोग नॉर्मल ही रहते, हम लोग शो नहीं करते, बिहार के ये क्वालिटी है। क्या कहेंगी मनीषा रानी को आप? वो मनीषा रानी को बोले बाबू जीत के आना और मेरा नाम रोशन करना, बिहार का नाम रोशन करना। okay? अच्छा बिग बॉस में ऐसा कौन है जो सबसे ज्यादा झगड़ता है और जो अंदर कुछ और है बाहर कुछ और दिखाता है? उसका नाम हम नहीं बताएंगे, बेचारों को तकलीफ होगा। बिहारी की ये क्वालिटी है। अच्छा। ये बिहारी का क्वालिटी है, चूंकि बिहारी लोग कुछ भी करेंगे बुरा आदमी भी है उसके पास भी जाएंगे और बोलेंगे बाबू कैसे हो, अगर वो लड़ भी लेगा फिर भी उसके पास फिर जाएगा बेटा कैसे हो, भैया कैसे हो, बहन कैसे हो, ये बिहारी का क्वालिटी है, इसलिए हम किसी का नाम नहीं बताएंगे, वो खुद ही आपको रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा। रानी को बोलेंगे जीत के आओ झंडा फहरा के आओ। क्या नाम है आपका? अनुपम कुमारी। बिग बॉस देखती हैं? जी हाँ। कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा बिग बॉस में? सबसे अच्छा हमको मनीषा और अभिषेक का बॉन्डिंग लगता है। अच्छा। काफ़ी अच्छा लगता है उनका। कैसा bonding? मतलब बॉन्डिंग कैसा दिखने में लगता है उनका? जो भी है वो प्योर है, प्योर बॉन्डिंग है, तो उनका बॉन्डिंग को अच्छा लगता है। और बिग बॉस देखना पसंद है क्योंकि उसमें मनीषा है और एल्विस भी अच्छा है, बट हमारे बिहार की मनीषा है तो उनको सपोर्ट करना ही है। सबसे ज़्यादा बिग बॉस में कौन इंटरटेन करता है? मनीषा ही करती है। सबसे ज़्यादा झगड़ा कौन करता है? ऑफकोर्स बेबी का करती है, वही झगड़ा करती है। छुपा रुस्तम कौन है? छुपा रुस्तम बिग बॉस में हमको लगता है कि एल्विस है, क्योंकि उनको जो भी है वो खुल के बताना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी एल्विस का बहुत क्रेज चल रहा है, सारी लड़कियां जो हैं एल्विस कर रही हैं। हाँ वो है, बट हमको ये है कि थोड़ा सा रेस्पेक्ट करना चाहिए उनको, मनीषा का, क्योंकि बहुत करती है वो उनके लिए। क्या उनको लाइक भी करती है? हाँ, देखने को वीडियो में कभी कभी कहती है कि मेरा लाइक फेक है, कभी कहती है प्योर है, तो पता तो नहीं चलता फेक है प्योर है, लेकिन जो भी करती है अच्छा लगता है। डिजर्विंग कौन है बिग बॉस? अभिषेक है, क्योंकि उनका जर्नी काफ़ी अच्छा रहा है, शुरू से स्टार्टिंग तक का ही, अभी तक का ही, मतलब काफ़ी अच्छा है, तो वही है। झगड़ने को देख लो तो बेबी का बहुत अच्छा कर लेती है, क्योंकि बिग बॉस में हंसी और ये सब भी चाहिए, झगड़ना तो वो काफ़ी अच्छा कर लेती है। समझाने को देख लो तो पूजा जी भी काफ़ी अच्छा कर लेती है काम, और मनीषा तो इंटरटेनमेंट है ही, बाकी एल्विस और अभिषेक का भी ठीक है। तो सपोर्ट मतलब जिताने के लिए आप मनीषा रानी को ही कर रहे हैं, तो क्या कहिएगा उनको? उनको यही कहेंगे कि आप जो भी कुछ घंटे या कुछ दिन, जो भी है, दिन तो नहीं है शायद, घंटे, कल ही फाइनल है, तो आप एंटरटेन करें, और ऑफकोर्स फाइनल में तो है ही, वोट देंगी? हाँ वोट दिए हैं, कितनी बार दिए हैं। दिलवाएंगी भी? हाँ हाँ बिल्कुल। आप कितनी वोट दिलवा रही हैं? हम तो अपनी फ्रेंड में सबको बोले हैं, सब दे ही रही है। क्या नाम है आपका? आराध्या। क्या करती है? अभी तो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है। बिग बॉस देखती है? हाँ। कैसा लगता है? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगता है सबसे अच्छा उसमें? सबसे अच्छा तो मुझे अभिषेक लगता है, ऑफ कोर्स अभिषेक। या और कोई? और मनीषा। सबसे अच्छा काम किसका लगता है? अभिषेक का। अभिषेक का एंटरटेन कौन करता है? अभिषेक, मनीषा और एल्विस, मतलब ये तीनों बहुत एंटरटेन कौन करता है? मनीषा सबसे ज्यादा। मनीषा। डिजर्विंग कौन है? अभिषेक।
टास्क सबसे चकोन पर अभिषेक लगता है कि इनकी जुबान में सिर्फ अभिषेक अभिषेक ही है अभिषेक ही नॉन परफॉर्म मतलब कि काम जो अच्छे से नहीं परफॉर्म करता कौन है वो तो जो नहीं करता था वो तो चला गया कौन था फलक थी और फिर से अविनाश भी था लेकिन अविनाश जब एल्विस है उसके बाद उसका वो जो परफॉर्मेंस इतना दिखा बट अभी तो फिलहाल बेबी का भी ठीक है और झगड़ा कौन करता है सबसे ज़्यादा बेबी का तो एकदम बाटी बाटी करते रहती है अच्छा क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है मुझे लगता है एल्विस का ज़्यादा फॉलोअर्स है तो उसका और अभिषेक में मतलब ऐसे चल रहा है कि उन दोनों में नहीं बता सकते कि कौन जीत सकता है वो तो बाद में पता आप किसको सबसे ज़्यादा अभिषेक को सपोर्ट करेंगे आप चाहती हैं कि अभिषेक ही जीते तो क्या कहना चाहेंगी जरा अपने फेवरेट को बता दीजिए अभिषेक वी लव यू एंड आई वांट टू कि आप ही विनर हो बिग बॉस के देख के लगता है आपको कि आप बिग बॉस बहुत देखती है नहीं बहुत तो नहीं देखती हूँ लेकिन देखती हूँ कैसा लगता है आपको अच्छा लगता है जो उन लोग का मस्ती का पार्ट होता है मैं बस वो देखती हूँ लड़ाई झगड़ा स्किप कर देती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है ओवरऑल मतलब आप कहना चाहते हैं कि बिग बॉस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आता है जो अच्छा नहीं लगता है हाँ मतलब आप बिग बॉस देखिए ना तो ऐसा मेंटालिटी बन जाता है कि ऐसे लड़ना है तो मेरे अंदर भी आ जाता है कि हाँ मैं छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ने लगती हूँ तो मैं वो छोड़ देती हूँ वरना मैं भी लड़ा के हूँ बिग बॉस देख करके आपको लड़ने का मन करता है हाँ पता नहीं क्यों जब भी हम बिग बॉस देखते ना तो उसके बाद जो भी मेरी फ्रेंड होती है हम उससे लड़ रहे होते हैं मेरा पानी क्यों छुई तो मेरा खाना कैसे टच की तो फिर इसलिए हम नहीं देखते क्योंकि फिर हमको ना वैसे एक्टिंग करने लगते एकदम ऐसा लगता है कि हम बिग बॉस हाउस में हैं और हम ही गेम खेल रहे हैं तो इस वजह से हम नहीं देखते आपको ऑफर मिलेगा एक बार जो बिग बॉस के घर में जाने का तो जाएंगी हाँ हाँ जरूर जाऊंगी मेरा तो सपना है मैं तो जाऊंगी बिहार का नाम रोशन करके आऊंगी पूरा अभी फिलहाल मनीषा रानी है क्या कहेंगे उनके बारे में वो बहुत स्वीट है बहुत ज़्यादा है इतनी प्यारी है वो मैं क्या बताऊँ एक तो इतनी सुंदर है और जैसे वो बोलती है उनका जो वो भोजपुरी एसेंट है वो बहुत ऑसम है और उनका और अभिषेक का बॉन्डिंग जो फुकड़ा इंसान है मतलब उस दोनों का बेस्ट है एकदम बेस्ट फ्रेंड टाइप का और उनका जो वो एल्विस के लिए प्यार है जो दिखता है हम लोग को और वो जो लाइन मारती है वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है बेसिकली हमें इन तीनों का जो ट्रायो है वो सबसे बेस्ट है और वो देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है एंटरटेन कौन सबसे ज़्यादा एंटरटेन मनीषा रानी कर रही है और जो इन तीनों का ट्रायो है मतलब एल्विस मनीष और अभिषेक का वो तीनों ही सबसे ज़्यादा एंटरटेन कर रहा है मैं इन तीनों को सपोर्ट कर रही हूँ किसी एक को करना है अच्छा तो मैं मनीषा रानी को कर रही हूँ मुझे वो सबसे वो बिहार की है इसीलिए क्या बिहार की है और बेसिकली उसकी वजह से इतना फन होता है इतना एंटरटेनमेंट होता है और हमारे बिहार का नाम वो रोशन कर रही है तो मैं उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ क्या कहेंगे जरा कैमरा देख के बता दीजिए वी लव यू मनीषा रानी पूरा बिहार आपसे प्यार करता है हम सब आपके साथ हैं हम चाहते हैं आप ट्रॉफी जीत के आएँ आप जीते या ना जीते हम सब आपके साथ हैं ऑल द बेस्ट बिग बॉस देखते हैं मैम हाँ थोड़ा बहुत कैजुअली क्या अच्छा लगता है बिग बॉस में थोड़ा वो एल्विस यादव है उसका फ़न और एल्विस यादव अभिषेक और मनीषा के बीच का जो कॉम्बिनेशन है ना वो मुझे बहुत पसंद है उनकी दोस्ती मुझे बहुत अच्छी लगती है और एल्विस का लव सीन चल रहा है क्या मनीषा के साथ नहीं ऐसा मुझे तो नहीं लगता एल्विस यादव की ऑलरेडी फ्लर्ट करती हुई दिखती है मनीषा हमें हाँ वो दिखती है पर मुझे ऐसा नहीं लगता है बस एक अच्छा बॉन्ड है दोनों के बीच में बस यही है और एल्विस यादव की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है शायद बाहर तो क्या लगता है कौन जीतने वाला है मेरे हिसाब से तो वैसे तीनों ही विनर के लायक हैं पर मैं ऐसे एल्विस यादव को पसंद करती हूँ मनीषा रानी को क्यों नहीं पसंद करती अरे नहीं मैं बहुत पसंद करती हूँ पर अगर विनर तो कोई एक ही होगा ऐसे देखा जाए तो मेरे लिए तीनों ही विनर हैं पर अगर ऐसे बोला जाए तो मैं पर्सनली सपोर्ट करना चाहूँगी एल्विस यादव को अच्छा ये बताइए एल्विस को क्या विशेष देना चाहेंगे आप कैमरा देख के बता हेलो एल्विस और मेरे तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट और मैं चाहती हूँ कि आप जीतो ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से क्या नाम है आपका अनुप्रिया बिग बॉस देखती हैं ज़्यादा नहीं पर कभी कल रील्स वगैरह देख लेती हूँ अच्छा, इस बार का जो सीज़न है देख रही हैं कंटिन्यू नहीं देख रही हूँ पर हाँ कभी कभी कौन आपको सबसे अच्छा लगता है अभिषेक क्यों बहुत लोग हैं अभिषेक को छोड़ के चौड़ा और है एक्चुअली वो टास्क जो कंप्लीट करता है जैसे जो मतलब वो टास्क कंप्लीट करने के लिए मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करता है और साथ ही जो बाकी मेंबर्स है उसके कंपैरिजन में वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि वही विनर होगा लेकिन अभी जो है मनीषा रानी का भी क्रेज कम नहीं है हाँ क्योंकि वो बिहार की है तो ऑब्वियसली कि मैं उसे सपोर्ट करूँगी और सबसे ज़्यादा
अभिषेक बिकॉज सबका अपना अपना एक फेवरेट होता है, तो एल्विश भी अच्छा है, वो भी विनर हो सकता है, पर मुझे मेरा फेवरेट अभिषेक है। इस वीडियो के बारे में क्या कहिएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ। मैं फरहत अफसर पटना।